हेलो एंड वेलकम टू टी ब्लेंग आई होप यू यूर ऑल वेल हेल्दी हैप्पी सेफ एंड साउंड गाइस दिस इज़ कैंडल वैक्स रीडिंग सो आपके भाग्य में क्या लिखा है किस्मत में क्या लिखा है ऑल डिटेल्स अबाउट योर किस्मत डेस्टिनी इन ईच एंड एवरीथिंग अपना ग्रुप चूज कर लीजिएगा ग्रुप वन इज रेड क्रिस्टल ग्रुप टू इज़ दिस ऑरेंज येलो मिक्स्ड कलर है क्रिस्टल ओके सो जो क्रिस्टल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करें आप उसको चूज कर सकते हो आई बी सी यू ऑन योर रीड इन टाइम्स टाइम्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स हेलो एवरीबॉडी एवरीबडी अगर आपने ये वाला क्रिस्टल चूज किया था रेड वाला दिस इज योर फायर लेट्स सी डेस्टिनी होल्ड्स फॉर यू अकॉर्डिंग टू द कैंडल वैक्स आई एम सींग अ लीफ हेयर ऐसे एक पत्ता है जैसे एक जैसे एक नई शुरुआत हो रही है आपकी ज़िंदगी की आ, एक चाँद मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे एक न्यू मून है वैसे भी आजकल कल न्यू मून के डेज चल रहे हैं सो मुझे ऐसे लग रहा है ऐज़ कोई कोई नई शुरुआत है आपकी ज़िंदगी में होने वाली है एक पेयर मेरे को नज़र आ रहा है एक जोड़ा जैसे कोई शादी का जोड़ा है आ, कोई आ, आ, कोई मुझे ऐसे कपल नज़र आ रहा है इकट्ठा सा कुछ चलता हुआ मेरे ख़्याल में आपकी शादी हो सकती है जैसे घाई मंगनी कुछ ऐसा सीन ज़रूर है मेरे को नज़र आ रहा है आ, ऐसे, आ, ऐसे 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 कोई रुपए हैं फॉरेन करेंसी है कोई ऐसी किस्मत में आपके कैसे शायद आपके फ्यूचर पाउज हो सकते हैं फॉरेन करेंसी में डील करते हैं, या आप हैं आपकी किस्मत में ये नया साल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी किस्मत में आप शायद आपको एक नई शुरुआत मिलने वाली है दैट इज़ फॉर श्योर अच्छा आप में से जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं डेफिनेटली आपका कंप्लीट होगा मुझे बहुत सारे एक न्यू मोन्स नज़र आ रहे हैं बहुत सारे नई शुरुआत नज़र आ रही है कामयाबी सी नज़र आ रही है मुझे कैन यू you... कोई कंसीव करना चाह रहा है यहाँ पर या कोई कंसीव करना चाहता है वेडिंग वेडिंग जहाँ मैं देख रही हूँ शादी हो सकती है आपकी या ऐसे देख रही हूँ जैसे कोई कोई है यहाँ पर बहुत परेशान है आज कोई बहुत रोया है आप लोग परेशान ना हो आपकी जो मुश्किलें हैं जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिवाइन बिल्कुल ख़त्म करने जा रहे हैं एंड डिवाइन इज़ देयर फॉर यू ओके डि इज़ देयर फॉर ऐसे एक नया न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में एंट्री ले रहा है गाइस मैं ऐसे देख रही हूँ इनका फॉरेन में काम है इनका फॉरेन में बिजनेस है एज इफ दे आर वर्किंग इन फॉरेन शायद आप ही सेटल हो सकते हैं बाद में फॉरेन इनके साथ गाइस अभी हम चाम्स भी देखेंगे एंड एक तो कार्ड से भी गाइडेंस लेंगे आपकी किस्मत की अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि आ, मतलब एक एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हंड्रेड परसेंट होने वाली है एक ऐसी शुरुआत जैसे जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं था हाँ कोई इधर है वाइट कपड़ों में आ, बहुत परेशान है आप अपनी शादी को लेकर के या अपने करियर को लेकर के डेफिनेटली डिवाइन इज़ गोइंग टू टू यू आपको डिवाइन ज़रूर सुन रहे हैं एंड यू नो आपको बिल्कुल भी जो है ना परेशान ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है डिवाइन इज देयर फॉर यू ओके एस से किसी का इधर नाम शुरू हो रहा है एस से आपके दिल में मन में जो भी विवेश चल रही है जो आप चाह रहे हो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू कम ट्रू इन नो टाइम ट्वेंटी ट्वेंटी टू किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपको एक नई प्रमोशन मिल सकती है एक नई जॉब मिल सकती है आपकी किस्मत में ऐसा इंसान है गए जो आपको हमेशा खुश रखेगा या आई एम समबड़ी फ्राम नॉर्थ साइड नॉर्थ इंडिया और मे बी नॉर्दर्न आपकी जो भी स्वीट कंट्री है उसकी नॉर्थ पोर्शन से आपको डेफिनेटली आपके लिए डिवाइन ने एक नई शुरुआत लिखी है ये ऐसे में देख रही हूँ कोई कंसीव करना चाह रहा है दिस इज़ अ बेबी बॉय फॉर यू हाँ नेक्स्ट सिक्स मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंसीव करने वालों के लिए आपकी शादी में जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं फ्यूचर्स बाउस के लिए देख रहे हैं दे आर वेरी लविंग एंड काफ़ी मटीरियल मटीरियली वेल पर्सन है काफ़ी मतलब अमीर हैं काफ़ी इनके पास पैसा वगैरह है एंड यू नो ऐसे मैं देख रही हूँ काफ़ी दौलत है इनके पास और आप ऐसे जैसे लक्ष्मी साबित होंगे इनके लिए आप इनके लिए लक्ष्मी में साबित हो गए काफ़ी ज़्यादा मैं से देख रही हूँ कि आपकी लक इनकी लक के साथ जुड़ रही है बिकॉज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर सारी वैक्स में इधर यही सब सब साथ साथ है। कुपल्स हैं कपल्स हैं कपल्स बन रहे हैं शादी आपकी डेफिनेट ट्वेंटी ट्वेंटी टू टुन्त नेक्स्ट ईयर आपके लिए हेल इंपॉर्टेंट है फॉर दोज हु वॉन्ट टू मैरी हु वॉन्ट टू यू नो गेट यूनाइटेड आपका सोलमेट भी हो सकता है आपका कोई ऐसा डिवाइन पार्टनर भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर वाइब यहाँ पर फॉरेन कंट्री की हैं ठीक है ओबियसली सारे फॉरेन कंट्री से नहीं होंगे आ, बट यू नो मे बी इनका कोई काम ऐसे फ़ॉरेन कंट्री में हो सकता है ओके ऑल राइट गाइस अभी हम थोड़ा कार्ड्स या चाम्स आपके देखेंगे कार्ड्स और चाम्स देखेंगे कि क्या आपकी किस्मत में और है डिवाइन की तरफ से आपके भाग्य में है जी यहाँ पर द एंड ऑफ अ टफ़ साइकिल अप्रोचेज़ आपकी जो लाइफ का टफ़ साइकिल है डेफिनेटली इट्स गोना गेट एंड ख़त्म हो रहा है एंड यू नो द ड्रीम योर ड्रीम्स इन द प्रैक्टिकल प्लान आपको प्रैक्टिकली भी कुछ करना पड़ेगा ऐसे कब बात नहीं चलेगी हवा में बातें करने से और विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट आपकी लाइफ में मैंने आपको कैंडल वर्क से भी देख के बताया था कि जो जो भी कोई आप कंपटीशन में हो कोई कोई एग्जाम है कोई कुछ है जो भी है आपकी यू yeah, नो you know, आपकी विन है यू कैन विन आपकी किस्मत में भाग्य में ये है जीत है ठीक है अ पर्सनल इशू रिच इज़ रेजोल्यूशन कोई पर्सनल झगड़ा है आपका कोई पर्सनल मामला है किसी के साथ डेफिनेटली इट्स गोइंग टू यू नो गेट रिजॉल्व हल हो जाएगा एंड uh, जरूर आपको आपकी मनोकामना पूरी होगी बैलेंस स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकलिटी बेशक आप बैलें हो स्पिरिचुअल spiritual हो स्पिरिचुअली प्रार्थना वगैरह करते हो लेकिन यू नीड टू तो बी प्रैक्टिकल आपको प्रैक्टिकल भी कुछ होना पड़ेगा आपको यू नो यू विल हैव टू यू नीड टू बी प्रैक्टिकल इन लाइफ मुझे आपके जो ओवरऑल भाग्य में चीज़ नजर आई है आपको चीज़ें मिलेंगे तो सही हैं ठीक है बट यू नो थिंक आप आपको ज़रूर को ना कुछ मैनिफेस्ट करना पड़ेगा आपको कोई स्पिरिचुअल होना पड़ेगा आपको आ, मुझे ऐसे मैं उधर कैंडल वैक्स में मैंने देखा है कि आप हो कपल हो आप किसी के साथ हो इन फ्यूचर ठीक है आपका सोल भी हो सकता है मटीरियल वेल ऑफ भी है बट यू नो स्टिल स्टिल देर इज नीड टू बी प्रैक्टिकल इन योर ओन आपको ख़ुद भी कुछ करना है खाली बैठ के इंतज़ार करने से इस फाइल के भागा नहीं बदलने वाला आपका भाग्य नहीं बदलने वाला खाली बैठ कर के खाली हाथ ठीक है सो so, uh, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं आपके uh, लाइफ में uh, चांस देख लें आपके आपके भाग्य के लिए चांस हैं जी या ओबियसली ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही है ठीक है ओब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर काफ़ी uh, वाइज हो चुके हैं आप काफ़ी अपने चेंजिंग लाए हो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हुआ है एंजल विंग है यहाँ आपके लिए खूबसूरत सा बहुत ही स्पिरिचुअल ठीक है तो डेफिनेटली एंजल्स आर देयर विद यू एंड आपका पार्टनर भी डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहा है बट आपको थोड़ा सा लुक्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है नॉट ओनली लुक्स अपनी इनर ब्यूटी आउटर ब्यूटी दोनों को ध्यान में रखें आपके भाग्य में चेंजेस हैं ट्रांसफॉर्मेशन है लेकिन आपको स्पिरिचुअल uh, होने के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा होना पड़ेगा आपके पायल में यही मैं आ, आपके लिए मैसेज है कि आपको यू विल हैव टू बी प्रैक्टिकल एज वेल बिसाइड बीइंग स्पिरिचुअल आई होप यू गेट योर रीडिंग बाय बाय लव यू हेलो एंड इफ यू चोज दिस मैं ऑरेंज या येलो क्रिस्टल लेट्स सी आपके भाग्य में क्या लिखा है कैंडल वैक्स टेडी बियर बना है यहाँ पर आई एम सींग एट टेडी बियर आपके आपके यहाँ एक बेटा हो सकता है फ्यूचर में आपके भाग्य में ट्विंस भी हो सकते हैं ऐसे मैं देख रही हूँ ऐसे सी साइड में देख रही हूँ कुछ सी साइड पर है ऐसे जैसे कुछ सी साइड पर है ऐसे जा रहा है आप लोग फिर रहे हैं पूरी फैमिली के साथ बहुत बड़ा परिवार मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुत बड़ा परिवार आ, बहुत बड़ी फैमिली है इकट्ठे फ्यूचर में आप लोग हैं आपके ससुराल वाले हो सकते हैं कोई यहाँ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है आप लोग करें डेफिनेटली गॉड इज़ विद यू यहाँ पर ग्रीन या पिंक कलर के कपड़े पहने हैं ना वो काफी परेशान है अपनी लव लाइफ को या करियर की लाइफ को लेकर के परेशान मत हो यू आर गोइंग टू गेट दैट वेरी सुन इन नो टाइम मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे कोई यहाँ पर है जिसने जिसका ब्रेकअप हुआ है या डिवोर्स या सेपरेशन हुआ है डेफ़िनेटली यू आर गोइंग टू गेट न्यूर पार्टनर वेरी सूनर इस दफ़ा यह पर्सन आपको धोखा नहीं देगा ये एक नया पर्सन है जो कि आपकी लाइफ में एंट्री ले रहे हैं और आप डेफिनेटली बहुत खुश रहोगे इसके साथ काफ़ी यहाँ पर सिंगल लोग हैं गाइज कपल मेरे को अभी तक यहाँ पर नज़र नहीं आया है सिंगल uh, हो वेटिंग फॉर योर पार्टनर वेटिंग फॉर योर पर्सन इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है वैसे देख रही हूँ एंजल एक, एक एंजल है यहाँ पर जो आपके साथ है एंजल इज़ डिवाइन एंजल आपके भाग्य में गाइस एक एक ऐसे पार्टनर का साथ है जो हमेशा तक आपके साथ रहेगा और जो हमेशा आपके साथ मतलब आपको प्रोटेक्ट करेगा काफ़ी प्रोटेक्टिव पर्सन है ये मुझे ऐसे देख रहे गार्ड्स हैं, हैं यहाँ पर बहुत सारे अभी दे गार्डिंग यू आपके साथ हमेशा ये इंसान रहना चाहता है और यू नो कोई आपको मैली नज़र से बुरी नज़र से देखे ये इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं आपके साथ रहेंगे लड़का है लड़की है जेंडर स्पेसिफ़िक नहीं है रीडिंग मुझे बहुत सारे यहाँ पर बर्ड्स नज़र आ रहे हैं काफ़ी फ्री विल का होगा ये पर्सन आपको भी फ्री विल देगा या आपको भी ये पर्सन फ्री विल देंगे एंड आप भी इनके साथ काफ़ी से ज़्यादा मैं ऐसे देख पा रही हूँ खुश हो फ्रीडम लवर है ये इंसान आपको भी फ्री रखेंगे दे वॉन्ट यू टू बी फ्री अपनी मर्जी से जियो जो चाहती हो वैसा करो आप बिल्कुल ही मतलब नहीं होते हो ना बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल तो ओबियसली नहीं हाँ, होंगे आप आई नो बट यू नो इनको, इनको किसी को बाउंड रखना नहीं पसंद है कैसा इंसान आपके भाग्य में है या अगेन बर्ड्स हैं अगेन यू बटरफ्लाइज हैं अ लॉट ऑफ कलर इन योर लाइफ आपकी किस्मत में काफ़ी डिगाइज काफ़ी सारे बच्चे हैं मोर देन टू थ्री फोर ठीक है पैसे के लिहाज से करियर के लिहाज से यहाँ पर मैं देख रही हूँ या yeah, काफ़ी ज़्यादा आप जिंदगी में जोड़ पाओगे पैसा मेरे ख्याल में आप ऐसा खर्चने से ज़्यादा पैसा जोड़ने वाले हो एंड यू लव इट या आपके बैंक अकाउंट में काफ़ी कुछ होगा एंड यू नो आपकी लाइफ में एक ऐसा मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है जैसा आपने सोचा भी नहीं है गाइज ये नेक्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू काफ़ी इंपॉर्टेंट है हो सकता है आपको आपका पार्टनर इसी साल में मिलेगा आपके साथ वो होगा ओके okay? एक नई शुरुआत है गाइस आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किल थी जो अकेलापन है मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केलापन है धूरापन परेशानी ये सब दिख रही हूँ मैं डोंट वरी एट ऑल ठीक है आ, ये परेशानियाँ ये साइकिल ख़त्म हो रहे हैं मैं ऐसे देख रही हूँ कोई 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 आ, कोई ट्रैवल करता हुआ दिख रही हूँ मैं किसी दूसरी सिटी में या दूसरी कंट्री में मे भी आप अपने किसी एजुकेशन के सिलसिले में जाएंगे स्टडी के सिलसिले में जाएंगे बाहर पढ़ने वहाँ काफ़ी हद से ज़्यादा आपको यू you नो know, मिलेगा सपोर्ट और काफ़ी कुछ और भी चीज़ें ठीक है मुझे ऐसे लग रहा है आप में से कुछ लोगों को ऐसे हैं जिनको आपका पार्टनर बाहर मिलेगा बाहर के मुल्क में मिलेगा फ़ॉरेन कंट्री में मिलेगा आपके पार्टनर जो है ना जो आपके फ्यूचर्स बाउस है ये मैं आपको बताऊं कि ये काफ़ी मुझे ऐसे फॉरेन वाइब आ रही है बहुत ज़्यादा इस फाइल में पहले पाइल में भी थी इधर भी हैं इस ग्रुप में भी हैं आपकी किस्मत में गाइस मदर इन लॉ का काफ़ी सपोर्ट है आप जिंदगी में एक ऐसा काम करोगे जिसको रात को करना पड़ता है आपकी जॉब इस तरह की है मेरे ख्याल में यहाँ या जी जी जो आपकी ज़िंदगी की जो रातें हैं वो बहुत हसीन होने वाली हैं आपके पार्टनर के साथ क्योंकि यहाँ पर रात का काफ़ी समय में देख रही हूँ शाम का डिनर डेट्स बाहर घूमना फिरना पार्टनर के साथ इस तरह की चीज़ें हैं काफ़ी आपके पार्टनर हैं ना आपके फ्यूचर पाउजिया आपको नेक्स्ट ईयर मिलेंगे ट्वेंटी ट्वेंटी टू में कमिंग ईयर में या हो सकता है आपको मिल भी चुके हो और यू आर करेंटली लेटिंग दैम यू आर करेंटली डीलिंग विद दैम शादी का आपका सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा ये सब आपके भागे में है किस्मत की ये रीडिंग है किस्मत में आपके गाइज आप काफ़ी रिच होने वाले हो आप नेक्स्ट फाइव ईयर्स के अंदर अंदर मुझे ऐसे लग रहा है आप काफ़ी कुछ अच्छा कर लोगे आपकी डिग्री आप जो तो भी कर रहे हो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट दैट एजुकेशन में भी एंड स्टडीज में भी कोई परेशान है यहाँ पर समबडडी इज क्राइंग प्लीज डोंट क्राई डिवाइन एंजल्स विद यू ऑलवेज लाइक ठीक है परेशान होने की बात नहीं है यू डिज़र्व दिस थिंग यू डिज़र्व हैप्पीनेस कोई है जिसका घर वालों से नहीं बनती फैमिली कार में क्या है प्लीज़ बी वेरी हैप्पी ठीक है डिवाइन आर विद यू इज विद यू हमेशा आपके साथ आपके सपोर्ट में रहेंगे डिवाइन इधर मैं बहुत सारे फ्लावर्स देख रही हूँ बहुत सारे फूल मे भी आपके स्पाउस आप स्पाउस बहुत लविंग है बहुत केयरिंग है आपके लिए ठीक है सो so, बाकी की रीडिंग हम आपकी कार्ड से देखते हैं और क्या कहते हैं आपकी चार्प uh, देख लें हम आपके okay, कार्ड्स में आपके लिए गाइडेंस है गाइडेंस right. है जी यहाँ टाइम टू टेक टेक टाइम टू ब्रीथ आउट बहुत स्ट्रेस लिया है आपने लाइफ में स्ट्रेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बिलीव इन द इम्पॉसिबल व बिलीव इन द इम्पॉसिबल अगर अभी तक कोई ऐसी चीज़ आपको इम्पॉसिबल लगी है तो आपको उस पर बिलीव करना चाहिए हो होगी आपकी ज़िंदगी में ठीक है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड तो बहरहाल स्टिल यू नीड टू एडजस्ट समथिंग अपने माइंड को एडजस्ट करो अपने बिहेव को एडजस्ट करो जो आपको लगता है आप जिस चीज़ में लैकिंग हो उसको एडजस्ट करो ठीक है पर्सनल इशू रिच इज़ रेजोल्यूशन कोई मसला है किसी के साथ खराबी है झगड़ा है डेफिनेटली इट्स गोइंग टू गेट रिजॉल्व सब कुछ ठीक हो जाएगा वक्त के साथ साथ ठीक है इट्स टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी नेगेटिव नहीं सोचना बिल्कुल भी बिकॉज डिवाइन इज विद यू भाग्य में आपके काफ़ी अच्छी चेंजेस आ रहे हैं बैलेंस स्पिरिचुअलिटी इन प्रैक्टिकलिटी हाँ स्परिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी दोनों पे रहें ठीक है लाजमी नहीं है कि खाली दुआओं से या प्रार्थना से काम चलता है कभी कभी हमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है और ये भी ज़रूरी नहीं है कि खाली प्रैक्टिकल हो गया वह काम बन जाएगा बिल्कुल भी नहीं आपका काम तब बनेगा जब ये दोनों चीज़ों को आप सासा चलाओगे ठीक है आपके चांस देख लें हम के चांस में है जी जी न्यू मून है एक नई शुरुआत है आपके भाग्य में ट्रांसफॉर्मेशन है एंजल्स हैं जी यहाँ पर फैदर एंजल्स आर विद यू हमेशा आपके साथ रहते हैं क्योंकि आप डिवाइन के बहुत ही अच्छे बच्चे हो ठीक है जी यहाँ पर फ्लाइंग बर्ड आया है कैंडल वैक्स रीडिंग में भी आपके काफ़ी बर्ड्स थे यू आर गोइंग टू फ्लाई आई डोंट नो फ्लाइंग का क्या काम है आपका आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हो फ्लाइंग कैबिन क्रू आई डोंट नो यहाँ फ्लाई करके बाहर जाएंगे कुछ है यहाँ पर फ्लाइंग से रिलेटेड ओके बेबी बॉय है यहाँ आपको मैंने बताया था पहले भी एंड डेफिनेटली यू गोइंग टू योर लाइफ इज गोइंग टू गेट लाइटेड वेरी सून बहुत जल्द आपकी जिंदगी में रोशनी आएगी अगर अभी तक नहीं आई आपकी जो बेस्ट डिजायर थी जो आप चाहते थे लाइफ में ऐसा हो डेफिनेटरी इज गोइंग टू गेट फुलफिल्ड ओके दिस वॉज योर रीडिंग आई होप यू लाइक इट बाय बाय एंड लव यू टेक केयर